क्या आपने कभी उड़ती कारों के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा, क्योंकि इसकी कल्पना आज से नहीं बल्कि कई सालों से की जा रही है। आपने फिल्मों में तो कई बार उड़ती कारों को देखा होगा। साइंस और कॉमिक्स फिल्मों में तरह तरह के कारों को दिखाया गया है, तो वहीं सड़क पर बढ़ती गाड़ियों से हर रोज लगते जाम और समय की कमी के चलते दुनिया भर में हवाई सफर का अब आसान तरीका खोजा जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में फ्लाइंग कार बनाने की कोशिश जारी है। स्लोवाकिया की एरोमोबिल कंपनी ने साल 2023 तक मार्केट में खरीद के लिए उड़ने वाली कारों को उपलब्ध कराने का वादा किया था, तो वहीं एक बार फिर कंपनी ने साल 2022 के अंत तक इस कार को सार्वजनिक रूप से पेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने 1 जनवरी 2022 को इस हाइब्रिड कार की एक झलक भी पेश कर दी है, जो दिसंबर के अंत तक मार्केट में उतरने वाली है। हालांकि कंपनी के वादे के बावजूद इसके मार्केट में उतरने और ग्राहकों के निजी हाथों में जाने में अभी कई बाधाएं हैं, जैसे आवश्यकता से अधिक ईंधन, इसकी पार्किंग और इसको उड़ाने वाले ड्राइवर के पास अनुभव, क्योंकि हर कोई आसमानी सफर का उस्ताद नहीं होता। इसके लिए बाकायदा एक हुनरमंद पायलट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही लैंडिंग जैसी तमाम सरकारी अड़चनें आनी बाकी हैं। हालांकि सरकार और कंपनी के आपसी सामंजस्य के बावजूद ये सफर आसान और सुहावना होने वाला है। फिलहाल कंपनी के दावे के अनुसार देखना होगा कि दिसंबर 2022 के अंत तक आम लोगों के लिए आसमान में उड़ने के लिए निजी कार उपलब्ध हो पाती है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।